हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो मार्केट में अलग अलग तरह के नमक आते हैं, जैसे कि रेगुलर टेबल सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट, उनके में ऐसा क्या डिफरेंस होता है और अलग अलग ये जो नमक है इनके हमारे लिए क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है। मैं नमक के बारे में बताऊंगा आपको, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इन अलग अलग जो नमक है इनके हमारे लिए क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी नॉलेज साइंस बेस्ड नॉलेज होगी कि साइंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जो नमक है इनके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मार्केट में अलग अलग तरह के नमक आते हैं, तो आज हम इन्हीं नमक के बारे में बात करेंगे कि कौन सा नमक हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिन नमक के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, वो है एक रेगुलर टेबल सॉल्ट, दूसरा है सेंधा नमक जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, और तीसरा है काला नमक जिसको हम ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नमक होता क्या है। नमक एक क्रिस्टलिन मिनरल होता है जो दो एलिमेंट से बना होता है, पहला सोडियम और दूसरा क्लोराइन। सोडियम और क्लोराइन दोनों ही हमारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं, क्योंकि ये हमारी ब्रेन और नर्व्स को हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस सेंड करने में थ्रू आउट आर बॉडी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में दोनों का, तो आपको ये दोनों ही मिनरल अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आजकल जो भी नमक आते हैं मार्केट में, उनमें आयोडीन डाल दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी साल पहले लोगों में बहुत ज़्यादा आयोडीन डेफिशिएंसी होने लग गई थी, जिनकी वजह से उनका थायराइड जो ग्लैंड है वो प्रॉपरली थायराइड हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन नहीं कर पाता था, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों में इश्यूज़ होने लग गए थे। तो उसके बाद एक ऐसी स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने, जिसमें जो भी ये टेबल सॉल्ट आता है उन सभी में आयोडीन डाल दिया गया है, जिससे लोगों में डेफिशिएंसी ना हो आयोडीन की और कभी भी उनको थायराइड के इशू ना हो। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप मान सकते हैं। नॉर्मली नमक सॉल्ट और क्लोराइन ही होते हैं नमक के अंदर, लेकिन आजकल जो भी टेबल सॉल्ट आते हैं उनमें आयोडीन भी होता है, ताकि आपको आयोडीन की कोई भी कमी ना हो। तो आप रेगुलर टेबल सॉल्ट अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको सोडियम मिले, क्लोराइन मिले और साथ में आयोडीन भी मिले। और एक और बात बताना चाहूँगा, जो ये रेगुलर टेबल सॉल्ट होता है वो हाईली रिफाइंड होता है, क्योंकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल दी जाती है, जो इसके अंदर ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो भी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, वो सभी निकाल दिए जाते हैं। 97% से भी ज़्यादा इसमें सोडियम होता है, क्लोराइड होता है और साथ में आयोडीन होता है कुछ परसेंट। तो आपको समझना होगा इसके अंदर और कुछ नहीं होता है, ये तीन ही मिनरल होते हैं, तो तीनों हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें और कोई ट्रेस मिनरल नहीं होता है, क्योंकि सारी इंप्योरिटीज़ और ट्रेस मिनरल इससे निकाल दिए जाते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका ओवर डोसेज ना करें, क्योंकि काफ़ी सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो भी रेगुलर टेबल सॉल्ट को ज़्यादा खा लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, तो आपको ओवरडोसेज इसकी अवॉइड करनी है। अगला आता है सेंधा नमक, जिसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट भी बोला जाता है, अलग अलग जगह पे उसके अलग अलग नाम है। वो काफ़ी फेमस सॉल्ट है जो आयुर्वेदा में भी यूज़ किया जाता है, आपकी स्किन हेल्थ के लिए या कफ या कोल्ड ट्रीट करने के लिए, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि सबसे जो पहला फ़ायदा है कि इसके अंदर ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं, जो नॉर्मली मैंने बताया रेगुलर टेबल सॉल्ट के अंदर सिर्फ सोडियम होता है, क्लोराइन होता है और साथ में आयोडीन भी डाल दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर सोडियम और क्लोराइन तो होता ही है, साथ में इसके अंदर ट्रेस मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर, इन सभी ट्रेस मिनरल के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इन्हीं ट्रेस मिनरल्स की वजह से इस जो ये सॉल्ट होता है इसके अलग अलग कलर्स होते हैं, तो आपको समझना होगा ये सभी ट्रेस मिनरल्स आपको मिलेंगे तो आपको इसके और ज़्यादा फायदे होंगे। जैसे कि सबसे जो मेजर फ़ायदा है इसका, एक तो आपका ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है, आपके मसल क्रैम्प्स इम्प्रूव करता है, साथ में आपको सोर थ्रोट की अगर इशू है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, साथ में आपकी स्किन हेल्थ भी इम्प्रूव करता है अगर आप सेंधा नमक लेते हैं। लेकिन जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है सेंधा नमक लेने का, वो ये है कि इसके अंदर आयोडीन नहीं डाला जाता है। रेगुलर टेबल सॉल्ट में आयोडीन डाल दिया जाता है, क्योंकि आजकल जो भी रेगुलर टेबल सॉल्ट आता है उसमें आयोडीन इंडिया में तो ऑलमोस्ट सभी सॉल्ट में होता है, लेकिन सेंधा नमक में आयोडीन नहीं डाला जाता है, तो आपको आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आप सिर्फ सेंधा नमक खाते हैं और आपकी डाइट में भी प्रॉपर आयोडीन नहीं है, तो ये बात आपको समझनी होगी। अगली जो बात है कि साइड इफ़ेक्ट की, तो उसमें आपको जैसे कि मैंने रेगुलर टेबल सॉल्ट में बताया था, तो इसमें भी अगर आप ओवर डोसेज कर लेते हैं तो भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि
किसी भी चीज़ की ओवरडोसेज हमें नुकसान ही पहुंचाती है। जैसे कि इसका ओवरडोसेज आप कर लेते हैं, इसमें भी आपको हाई बीपी के इशू हो सकते हैं या फिर हाई क्लोराइड लेवल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फैटीग या मसल वीकनेस हो सकती है। तो दो रिस्क हैं अगर आप सेंधा नमक खाते हैं, पहला तो आपको आयोडीन नहीं मिलेगा और दूसरा आपको हाई डोसेज की वजह से आपको हाई बीपी वगैरह भी इशूज़ हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये काफ़ी हेल्दी नमक है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी काफ़ी सालों से यूज़ होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जो तीसरा नमक है वो है काला नमक, जिसको हम ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं। ब्लैक सॉल्ट के अंदर सोडियम कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर सॉल्ट, टेबल सॉल्ट के मुकाबले, और साथ में इसके अंदर कुछ ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि इसके अंदर आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सल्फेट्स होता है। तो इसी वजह से इनका जो कलर, स्मेल और टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है जो रेगुलर टेबल सॉल्ट के मुकाबले। तो जहाँ तक इसके फ़ायदे की बात की जाए, तो सबसे जो इसका पहला फ़ायदा है वो तो ये है कि इसके अंदर सोडियम कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर टेबल सॉल्ट के, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है अगर आप सोडियम कम चाहते हैं अपनी डाइट में। दूसरे, इसके अंदर ज़्यादा मिनरल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर टेबल सॉल्ट। तीसरा, ये आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे रहते हैं, गैस और ब्लोटिंग से हमें छुटकारा दिलाते हैं और लैक्सेटिव इफेक्ट देते हैं हमारे स्टमक के अंदर। साथ में आपके स्किन और हेयर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद बताया गया है क्योंकि इसके अंदर ये सारे ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये तो सब हुई फ़ायदे की बात, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बताया, आयोडीन रेगुलर टेबल सॉल्ट में डाल दिया जाता है, एक एडेड मिनरल डाल दिया जाता है, लेकिन जो एक काला नमक आता है, सेंधा नमक आता है, यूजुअली इनके अंदर आयोडीन नहीं डाला जाता है। कुछ ब्रांड्स शायद डाल सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं उनके अंदर आयोडीन नहीं होता है। तो आपको आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आपको डाइट से प्रॉपरली आयोडीन नहीं मिलता है और आप ये सेंधा नमक या काला नमक खाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। और दूसरी बात, हमेशा जैसे मैं कहता हूँ, किसी की भी ओवरडोसेज ना करें, क्योंकि जब आप ओवरडोसेज करते हैं तो आपको उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, चाहे वो कोई भी सॉल्ट हो, कितना ही हेल्दी सॉल्ट हो, ओवरडोसेज आपको ज़रूर नुकसान दे सकता है। तो ओवरऑल मेरा जो सजेशन है पर्सनली, ऐसी आज तक कोई स्टडीज़ तो नहीं हुई है जिसमें तीनों नमक को अलग अलग कंपेयर किया गया है कि हमारी बॉडी में किसका ज़्यादा फ़ायदा है, किसका ज़्यादा नुकसान है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें तीनों नमक अपनी डाइट में किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड करें, जैसे मैं पर्सनली करता हूँ। जैसे कि काला नमक है, अगर मैं तरबूज खाता हूँ तो उस पर काला नमक डाल के खाता हूँ, उस पर तरबूज का टेस्ट भी बढ़ जाता है। सेंधा नमक है, सेंधा नमक हम सब्जियों में डालते हैं, जितना यूज़ हो सके सेंधा नमक का यूज़ करते हैं, तो सेंधा नमक के भी जो फ़ायदे हमें मिल जाते हैं। और जो रेगुलर टेबल सॉल्ट है वो हम यूजुअली दही वगैरह में डाल के थोड़ा सा खाते हैं, तो जिससे हमें आयोडीन भी मिल जाता है जो रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कोशिश करते हैं तीनों नमक खाने की, तीनों नमक का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, तीनों नमक के फ़ायदे अलग हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि तीनों नमक अपनी डाइट में किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड कीजिए, ताकि आपको कोई भी डेफिशिएंसी ना हो और तीनों नमक के आपको फ़ायदे मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कॉन्टेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पर नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी आप फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।